नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सोमन। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा। आज हम कैची धाम में हैं और आपको बताना चाहते हैं, अगर आप कैची धाम आना चाहते हैं तो आप कैसे आएँ, और इसके लिए आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया सुधा जी दे पाएंगे, बताइए। जैसे कि कोरोना के चलते अभी तक ट्रेन्स बंद थी, लेकिन अब ट्रेन्स खुल गई हैं, तो दिल्ली से अगर आप आना चाहते हैं तो काठगोदाम शताब्दी एक आसान जरिया है काठगोदाम तक आने का। वहाँ से आप शेयर टैक्सी करके कैची धाम तक आराम से आ सकते हैं। आप चाहे कहीं से भी आ रहे हैं, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो पटनगर एयरपोर्ट है, अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो कैची तक आप आ सकते हैं। आपको वाया हल्द्वानी वाया कालाढूंगी आना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको काठगोदाम उतरना पड़ेगा या हल्द्वानी उतरना पड़ेगा। वहाँ से आपको बहुत सारी कैब्स मिल जाती है, बसेज मिल जाती हैं। अभी तो कोरोना आगे कोरोना नहीं रहेगा, लेकिन कैची हमेशा रहेगा। तो जब भी आपको कैची आना हो, पहले सबसे इजी एक्सेस है वो ट्रेन की एक्सेस है, फिर आपका रोड है, और सबसे एंड में अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं प्लेन से भी आ सकते हैं। बहुत सारी फ्लाइट्स पंतनगर की आती हैं, वहाँ उतर के आप वहाँ से, ये करीब पंतनगर से 200 किलोमीटर पड़ेगा, वहाँ से आप कैब करके आ सकते हैं। या रुकने के लिए बहुत सारी होटल हैं, आपको हल्द्वानी रुकने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप रुक सकते हैं। मलमा होटल यहाँ पे बहुत अच्छी होटल है, जहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा भोजन भी मिलता है, रहने की सुविधा भी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ ये ठीक मंदिर से लगा हुआ है, तो आपको मंदिर के दर्शन, आरती के दर्शन, बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो सारी चीज़ें आपको लाइव देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, यही था इस हमारे वीडियो में। हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन प्रेस कीजिएगा। बाबा जी करो नहीं चाहिए। नमस्कार।